नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुशीनगर जिले के थाना क्षेत्र विशनपुरा के अंतर्गत विकास खंड दुधई के ग्राम सभा पडरौन मडुरही में कोटेदार परमेश्वर प्रसाद के गोदाम से ताला तोड़कर सरकारी अनाज पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया, जिसमें चावल की 33 और गेहूं की 87 बोरी शामिल थी। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि आए दिन विशनपुरा थाना अंतर्गत चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन विशनपुरा पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह जाती है। इस बार भी देखना है कि मामले का पर्दाफाश होता है कि नहीं। करवाने वाला हूँ। क्या किस तरह से घटना घटे आपके वहाँ बताएं? जी, मैं उठान करा कर अपने गोदाम में माल रखा था और पड़ोस में तिलक पड़ा तो हम उसी में रह गए। 10 बजे आए, घूम के फिर चले गए। तब तक माल हमारा था। उसके बाद से रात में कब चोरी हुआ है, कब क्या हुआ है हमको नहीं मालूम है, लेकिन जब सुबह में आया तो देखा तो ताला टूटा हुआ था। तो पूछताछ किए और थाना में खबर किए। थाने से कोई फोर्स वगैरह आई थी? थाने से फोर्स आई थी, वो भी जांच चुलू किए। कितने का आपका नुकसान हुआ है? 87 बोरी गेहूं और 33 बोरी चावल। उसके बाद से प्रधान के पास भी फोन किए। क्या आश्वासन मिला? कुछ मिला कि नहीं मिला? वो बोले कि चलिए फरियाद करा दिया जाए। क्या और क्या नुकसान हुआ है इसके साथ में आपके साथ? पैसा भी था गाला में, करीब 1000 के सिक्के थे, वो गायब है। तो 100 नंबर को सूचना नहीं दिया था, थाने में सूचना दे दी तो हम सोचे कि 100 नंबर का बुलाएं। शुभ नाम आपका? परमेश्वर कोटदार, पड़वान मुड़ गए, थाना बिशुनपुरा, कुशीनगर। बोले हैं कि फरियाद कर देंगे। साहब नहीं थे, बोले हैं कि साहब आ रहे हैं तो फरियाद हो जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।